पाकिस्तान खुद कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। हमारे हौसले बुलंद हैं। कहो क्या ख्याल खो लिया मकान भरिया भराया छोटा है जाना ही लैके आए मामा ने अपने बच्चे नहीं संभाले नमसो नमसी पै गई एक जहां छोटा सा पाकिस्तान जिंदाबाद मुस्कान चाहे मीठी होया आंसू एक खाली हम शक्कर बहारें देख चुके हैं। इस सफर के दौरान में बिलाशुबा हमने बहुत सी कामयाबियां समेटी लेकिन ये हकीकत है कि हम अपने वतन को फलाही रियासत बनाने में नाकाम रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश भी यही है पैगाम भी यही है कि हमें अपनी समझ का तयन करना होगा और इसको एक आम रियासत से फलाही रियासत की तरफ ले जाना होगा। तो जहाँ इंसान पैदा होता है वहाँ उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है क्योंकि मैं कहीं भी चला जाऊँ क्यों जो मेरे साथ टैग लगे ना पाकिस्तान के लगे और यही इसी से मैंने पहचाने जाना है जिसकी बना पर मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं पाकिस्तान को छोड़ के जाऊँ। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है जिसमें हम रहते हैं एंड वी ब्रीथ फ्रीली वी एक्ट अपॉन आवर रिलीजन in very free manner and we have freedom of all types here we have freedom of speech freedom of expression everything hame jo bhi mila is mulk se mila humne jo bhi hasil kiya wo is mulk se hasil kiya aur yahi hamari wajah hai ki hum yahan pe maujood hain pakistan zindabad atti patti baant lenge kirnu ka katra ek sikka roop humse le आज़ादी से बड़ी इस दुनिया में कोई नेमत नहीं है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान का शहरी हूँ। इस मुल्क को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ इसी मुल्क इसी मिट्टी की वजह से हूँ। अगर अपना घर तोड़ फोड़ का शिकार हो तो उसको दुरुस्त करना चाहिए उसको छोड़कर भागना नहीं चाहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जहालत है। हमारे लोगों को जाहिल बाई डिज़ाइन रखा गया। ये हमारी जो पॉलिटिकल एलीट पिछले 70 साल से जो हमारे पाकिस्तान में रूल कर रही है इन्होंने हमें शऊर नहीं दिया। जब तक शऊर नहीं होगा तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। हमें चाहिए हर घर का बच्चा हर घर का हर बच्चा सुकून जाए उसको तालीम दें। जब तक ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। और हमारे लिए जो मुल्क है हमारे लिए तरक्की का एक ऐसा रास्ता बन जाए जिसमें हमारे आने वाले तमाम जो नौजवान हैं वो यहाँ कामयाब और कामरान हो सकें। खान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं इस काबिल कुछ हुआ हूँ तो मैं इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ और इंशाल्लाह ताला हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे इस अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। मैं मोस्ट ऑफ द पीपल्स कमिंग अराउंड एंड दे आर जॉइनिंग देयर हैंड्स अगेंस्ट आवर एनिमीज सो दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ अस सो व्हाई आर वी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स वी शुड प्राउडली से दैट वी आर पाकिस्तानीज वी लव पाकिस्तान। So all students and all the people who are watching me, love your country, care for your country. That's what is the demand of time. Aur ishq se mil